बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल ब्रिज फूड एंड डेली लाइफ। आज हम एक मज़ेदार रेसिपी लेकर हाजिर हैं। आज हम बना रहे हैं बीफ कोफ्ते, जिसके लिए हमने कीमा लिया है आधा किलो, एक टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 4 से 5 अदद हरी मिर्चें जिनको मैंने फाइनली चॉप कर लिया, 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर, प्याज एक दरमियाने साइज़ का जिसको मैंने चॉप करके तो इसका पानी जो है वो निचोड़ लिया, बिल्कुल खुश्क है ये। और ये 3 टेबलस्पून काले चने भुने हुए, जो काले चने होते हैं उनको लेके मैंने साफ़ करके छिलका उनका उतार के तो उनको ग्राइंड करके ये पाउडर बना लिया। चलिए अब हम कोफ्ते स्टार्ट करते हैं बनाने। कीमा जो है मैंने इसका एक फुल पीस गोश्त का लेके उसको धो के तो फिर मैंने इसको चॉप करवाया था ताकि इसके अंदर जो है नमी कम हो और पानी ना हो इसमें। लहसुन अदरक, प्याज, नमक, सुरख मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, चिली फ्लेक्स, ग्रीन चिलीज, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, पिसे हुए काले चने। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर लेती हूँ। ये देखिए हमारा मिक्सर जो है ना ज़्यादा नरम है और ना ज़्यादा सख्त है। अगर आपका मिक्सर नरम हो जाए तो आपने इसमें 2 टेबलस्पून ब्रेड क्रम्स डाल देने हैं, और अगर आपको लग रहा है कि आपका मिक्सर जो है वो सख्त हो गया है फिर आपने इसमें 1/2 अंडा डालना है, और जिससे अंडे कोफ्ते जो है वो बहुत नरम भी बनेंगे और आपका जो बैटर है वो भी थोड़ा सा नरम हो जाएगा। अब हम इसके गोल गोल कोफ्ते तैयार करते हैं। थोड़ा सा हमने इस तरीके से कीमा ले लेना और इस तरीके से दबा दबा के हमने गोल कोफ्ते तैयार कर लेने। आपकी मर्ज़ी, आप जिस साइज़ के तैयार करना चाहें आप कर लें। इसी तरीके से मैं सारे तैयार करके फिर आपके सामने फ्राई करती हूँ। जी माशाल्लाह से कोफ्ते हमारे तैयार हो चुके हैं, अब हम इनको फ्राई करते हैं। पैन में हम ऑयल डालते हैं, तैयार हो चुके हैं। कोफ्ते की ग्रेवी बनाने के लिए हमें चाहिए प्याज 1 अदद दरमियाने साइज का जिसको मैंने चॉप कर लिया, नमक 1 टीस्पून, सुरख मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, खुश्क धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1/2 टीस्पून और 1/2 कप दही। सबसे पहले हम पैन में प्याज डाल के ब्राउन करते हैं। हमने तकरीबन 1/2 कप ऑयल डाला है, अब हम इसमें ये प्याज डाल के तो इसको हल्का सा ब्राउन करते हैं। ये देखिए जी प्याज हमारा लाइट ब्राउन हो चुका है, अब हम इसको प्याज का निकाल के चोपर में डाल के तो इसका पेस्ट तैयार कर लेते हैं। अदरक का पेस्ट 2 टेबल स्पून, लहसुन अदरक हमारा लाइट ब्राउन हो चुका है, अब हम इसमें ये जो प्याज का हमने पेस्ट बनाया था ये शामिल करते हैं। पेस्ट बनाने का मकसद ये था कि हमारी ग्रेवी जो है बिल्कुल स्मूथ तैयार हो। नमक, सुरख मिर्च पाउडर, हल्दी, धनिया पाउडर, चिली पाउडर, अब दही लिया, इसको मैंने अच्छी तरीके से बीट कर लिया ताकि इसमें लम्स वगैरह ना रहें। ये देखें जी माशाल्लाह से मसाला हमारा भुन चुका है, मसाला ने घी छोड़ दिया, अब हमने जो कोफ्ते तैयार किए थे वो इसमें डाल के तो उसको सिर्फ 1 मिनट के लिए हम इसमें फ्राई करते हैं, और फिर जितनी हमने ग्रेवी बनानी है उसके मुताबिक हम इसमें पानी डालेंगे। माशाल्लाह से हमारे कोफ्ते जो हैं वो मसाले में अच्छे तरीके से भुन चुके हैं, अब हम इसमें तकरीबन 1 गिलास पानी शामिल करेंगे। इसको हल्की आंच पे हम दम पे रख देंगे। ये देखिए माशाल्लाह से ग्रेवी तैयार हो चुकी है, अब हम इस पर डालते हैं 3 से 4 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्चें और ये थोड़ा सा हरा धनिया। अब मैं डिश आउट करके तो आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह से हमारे कोफ्ता कड़ी जो है तैयार है। उम्मीद है आपको हमारी आज की रेसिपी जो है पसंद आएगी, इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा, और अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह।